वेरी गुड। हाँ जी, तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अब तक हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, हम नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, और हम होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, है ना। और उसके बाद हमने नेचुरल और होल नंबर का एडिशन पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो अभी मैं काफी सारे बच्चों के आंसर्स देख रही हूँ, वेरी नाइस के 28 डिजिट्स, 30 डिजिट्स तक आप एडिशन कर सकते हैं। और हेमराज ने लिखा है कि अनलिमिटेड तक आपको जितने भी डिजिट्स दे दिए जाए तो आप कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट, अगर आपको दो डिजिट्स का एडिशन करना आता है, ठीक है, उसमें कैरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप आराम से जितने डिजिट्स आपको दे दिए जाए आप उनका एडिशन कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप इतने सारे बच्चे क्लास में हो, एडिशन का यूज कहाँ होता है? अनलिमिटेड डिजिट्स तक आप कर लेते हो, एडिशन के यूज का एक एग्जांपल दो, सेंटेंस में दे दो, एक सेंटेंस में। फॉर मैं स्टार्ट करती हूँ, बाकी सब भी स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोटल मैंने हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैंने उनके किसी सब्जेक्ट के लिए मैंने 3 नोटबुक्स लगाई है, किसी सब्जेक्ट के लिए मैंने 2 नोटबुक्स लगाई है, किसी के लिए एक। तो मैं उन सारी नोटबुक्स को काउंट करूंगी, तो मैंने टोटल सारे सब्जेक्ट्स के लिए 14 नोटबुक्स लगाई हैं। तो उस केस में मैंने एडिशन का यूज किया, हर सब्जेक्ट की नोटबुक को ऐड किया। वैसे कोई कोई एग्जांपल दो, आप एडिशन का यूज कहाँ करोगे अपनी डेली लाइफ में? तभी अनम्यूट करके कोई बताना चाहता है, कोई इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिख सकता, तो इस केस में मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप अनम्यूट कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड सूरज। हम शॉप में, सबसे बेसिक एग्जांपल है, आप शॉप में जाते हो, आप क्या करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना। मान लो आपने 10 की टॉफीज ली, है ना, 20 का ये लिया, 20 का कुछ और लिया, टोटल 50 होगा। इस तरह से शॉप में करते हो, मार्केट में करते हो, सबसे ज्यादा यूज उसमें हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको इस चीज की भी समझ है कि हम एडिशन का यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बार बस बता दो कि सभी बच्चों के पास ये एक्टिविटीज का ऑप्शन है ना, सभी के पास एक्टिव, कोई बच्चा, मुझे पता चल जाए कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, फिर मैं उसे अनम्यूट करा के आंसर पूछ लूंगी, या फिर चैट में बाद में लिखा लूंगी। तो सबके पास है, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, तो पोल सेक्शन में अब सब बच्चे, अच्छा सूरज आपके पास नहीं है, ठीक है, मैं आपसे अलग से अनम्यूट करा के या चैट में आंसर पूछ लूंगी, ठीक है। और एक चीज और, आपको गूगल प्ले स्टोर पे हम जाते हैं ना, तो वहां जाकर आप चेक करना अपडेट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर अपडेट वहां पर आ रहा है लिखा हुआ, तो आप अपने गूगल मीट को अपडेट कर लेना, उससे शायद आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एडिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये बात तो पता होगी कि पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, यस। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, एक नई चीज ट्राई करते हैं क्लास में, देखते हैं वो वर्क करती है कि नहीं करती है, ठीक है। जो बच्चा आंसर कर देगा, ठीक है, वो अपना हैंड रेज कर देगा, जो वो हैंड वाला ऑप्शन बना है ना, वो अपना हैंड रेज कर देगा, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया और कौन बच्चा अब तक आंसर नहीं किया है, है ना। वेरी गुड, एक बच्चा ने आंसर कर दिया है। जो बच्चा आंसर करता रहेगा वो अपना हैंड रेज करते रहना, ताकि हमें आइडिया मिल जाए किस किसने आंसर कर लिया है। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो सबसे पहले प्रिया ने आंसर किया था, ओके। सो सेवन, आप सभी भी देख सकते हो कितने सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, आप सभी को पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो, हम मुझे नहीं पता कि आप नोटबुक पेन लेकर बैठे हो नहीं बैठे हो, मुझे नहीं पता कि आप जो है अपना फोन में गूगल मीट ओपन करके बैठे हो नहीं बैठे हो, ठीक है। वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी, टीचर को कब पता चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जब टीचर आपसे कोई क्वेश्चन करे और आप उसका सही आंसर दो। अगर आप उसका गलत आंसर भी करते हो, तो टीचर को पता चल जाता है कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई है, फिर हम आपको वो चीज दोबारा से समझाते हैं। तो इसलिए पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे सच में क्लास में पढ़ रहे हैं, सबका पता चल जाता है मुझे कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा सीरियसली क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। और इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था किसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों का नाम मुझे पता चल गया। उन बच्चों के अलावा
सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। तो अभी मैं देख सकती हूँ क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, बट मुझे आंसर सिर्फ 14 स्टूडेंट्स के मिले हैं जिनका हैंड भी रेज हुआ हुआ है। अभी वो बच्चे अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, मुझे पता चल गया किस किसने आंसर कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में एक्टिव नहीं है, है ना। तो जल्दी से सभी आंसर करो, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं, 20 सेकेंड और दे रही हूँ। अब अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो, इसके मैं दो रीजन मान सकती हूँ। पहला, आपको एडिशन नहीं आता है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। सर ने आपको पिछली क्लास में एडिशन पढ़ाया है, आप सभी को एडिशन आता है, और आप सभी ने स्टार्टिंग की क्लास में बोला कि आप अनलिमिटेड डिजिट्स तक एडिशन कर सकते हो, तो पहला वाला रीजन तो वैलिड ही नहीं है कि एडिशन नहीं आता किसी को, मुझे पता है कि पूरी क्लास को एडिशन आता है। दूसरा रीजन ये है कि आप क्लास में एक्टिव नहीं हो, है ना, तो मैं दूसरा रीजन मान लूंगी अगर मुझे पोल में आंसर नहीं मिले। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पोल में आंसर करने हैं। मेक श्योर करो कि आप जो वोट का ब्लू वाला निशान है उस पर क्लिक करो, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए, तभी आपका आंसर मेरे पास सबमिट हुआ हुआ मुझे मिलेगा। अभी आंसर देखो, आप रिजल्ट भी देख सकते हो वहां पे, ऑलमोस्ट मैं कितने बोलूं, 98% बच्चों का ठीक है, 2% बच्चों का गलत हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। अभी भी मैं लास्ट के 5 सेकंड्स और दे रही हूँ, उसके बाद आप पोल में आंसर नहीं कर पाओगे। सो 5, 4, 3, 2 and 1, चलो अब पोल में कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा, पोल ओवर हो गया। अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, तो लगभग सभी बच्चों का ठीक था। अब जब हम रिजल्ट देख लेंगे, मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिनका गलत हुआ था, क्योंकि मुझे पूछना है कि मिस्टेक कहाँ पर हुई थी। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना है, उन्हीं से आप सीखोगे। ठीक है, 954 आपको फाइंड द नंबर विच इज 954 मोर देन 133, तो आपको 954 में 133 ऐड करना है। सो 4 + 3 = 7, 5 + 3 = 8, 9 + 1 = 10, सो 1087 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, कौन बच्चा ऐसा है जिसने ऑप्शन बी किया था? किस बच्चे का गलत हुआ था, ईमानदारी से बता दो, ताकि हमें पता चले मिस्टेक्स कहाँ हुई है। वो मिस्टेक्स सबके लिए एक लर्निंग होती है कि सारे बच्चे वो वाली मिस्टेक रिपीट ना करें। किसका गलत हुआ था? अच्छा हाँ, सूरज के पास पोल का ऑप्शन नहीं था ना बेटा आपका? हाँ, आपका करेक्ट है। मैंने पोल कर दिया था, आंसर हो गया आपके। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ध्यान से करने हैं क्वेश्चन। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हो? ओके बेटा, कहाँ गलती हुई थी आपकी जिसका गलत था? वेरी नाइस, वेरी नाइस, अपने मिस्टेक्स को एडमिट करना अच्छी बात है। कहाँ गलती हुई थी सबको बताओ आप। कौन से वाले डिजिट को ऐड करने में गलती हुई? बेटा चाहो तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद बता देना आप। अभी सब बच्चे अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी का ठीक था। तो एडिशन मुझे लगता है सभी बच्चों को आ गया है। अब हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, देखो नहीं तो शोर आता है क्लास में, है ना। हाँ जी, तो अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, घटाव पे। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको सब्ट्रैक्ट करना आता है, और कितने कितने डिजिट्स तक आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो? पहले मुझे थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए, सबको आता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चलो अनलिमिटेड, वेरी नाइस, काफी स्मार्ट बच्चे हैं सब। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि आशिन और सानू दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स, बोथ हैव 5 and 4 टॉफीज रिस्पेक्टिवली। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, फॉर एवरीवन, व्हाट डज दिस रिस्पेक्टिवली वर्ड मीन? इस चीज़ जो रिस्पेक्टिवली है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्या है यहाँ पे? कोई एक्सप्लेन कर सकता है, किसी को पता है? कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो भी अनम्यूट करके बता। आंसर इज 1, अभी तो क्वेश्चन ही पूछा नहीं बेटा मैंने।
अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ये, अभी तो आपके सामने एक स्टेटमेंट है कि आशीन एंड सानू आर टू फ्रेंड्स, बोथ हैव 5 एंड 4 टॉपिक्स रिस्पेक्टिवली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों है यहाँ पे? अच्छा ये बता दो, पता है या नहीं पता है, यस और नो? बच्चों अब वापस से मैं उस पर आती हूँ, आप कैसे कह सकते हो आंसर वन है? अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया आपसे। अच्छा सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम रिस्पेक्टिवली का यूज करते हैं, और कोई जिसको पता है वो लिखो कि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कहाँ होता है, उसका फायदा क्या हुआ इस क्वेश्चन में? प्रिया ने लिखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वेरी गुड। शगुन की आईडी से कौन है, नाम बताओ अपना। शगुन, वेरी गुड शगुन। शगुन ने बिल्कुल ठीक बोला है, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होगा कि जिस ऑर्डर में हमने बच्चों के नाम लिखे हैं उनके पास, इसी ऑर्डर में हम चीजें देंगे। अगर अश्विन का नाम पहले लिखा है तो जो पहले नंबर लिखा है वो अश्विन के पास टॉपिक होंगे और सानू के पास 4 टॉपिक होंगे, ठीक है? अगर मैं ये नंबर चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 4 एंड 5 कर दूं, तो दैट विल मीन कि अश्विन के पास 5 टॉपिक है, सानू के पास, सॉरी अश्विन के पास 4 टॉपिक है एंड सानू के पास 5 टॉपिक है। वेरी गुड, अब समझ में आया सबको? तो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी बुक में ये वर्ड बार बार देखने को मिलेगा। आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, आप अलग अलग हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं वापस से आती हूँ कि आप लोगों से, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दी है मैंने, ठीक है? क्वेश्चन अभी आएगा, आंसर सबने बिल्कुल ठीक निकाला था, बट क्वेश्चन इज कैन यू टेल अमंग द टू फ्रेंड्स हु हैज मोर टॉपिक्स? ऑब्वियसली अश्विन हैज मोर टॉपिक्स, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड का वो पता चलेगा आपको, ठीक है? अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड ना होता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड ना लगाती, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट देती, तो क्या आप बता पाते कि हु हैज मोर टॉपिक्स? क्या आप बता पाते हु हैज मोर टॉपिक्स? नो, करेक्ट, नो, आप तब नहीं बता पाते, है ना? तो रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज यहाँ पे हुआ है। सो अश्विन हैज मोर टॉपिक्स एंड हाउ मेनी मोर टॉपिक्स, ये आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था, 1। तो हमने 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आया। तो आई गेस सब्ट्रैक्शन सभी को आता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 98 माइनस 17 कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करके फास्ट फास्ट आंसर करेंगे। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वी हैव, हम सबसे पहले जो है 8 माइनस 7 करेंगे, तो 8 माइनस 7 इज 1, 9 माइनस 1 इज 8, 81 टॉपिक, सॉरी टॉपिक वाला क्वेश्चन नहीं था। तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना सबको आता है, पता चल गया मुझे। बेटा किसने अनम्यूट किया हुआ है? नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी मुझे, जैसे आपने एडिशन के केस में मुझे एग्जांपल्स दिए थे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केसेस में एग्जांपल दो, एक एक सेंटेंस में एक एक सिचुएशन बता दो जहां पर आप सब्ट्रैक्शन का यूज करोगे, एक एक सिचुएशन बता दो। मैं वापस से वही वाली स्लाइड लगा देती हूँ जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल का यूज किया था, जैसे ये एक एग्जाम्पल था। सभी क्रिएट करेंगे, सभी को एटलीस्ट एक एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए जहां पर आप सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहे हो डेली लाइफ में। शॉप एंड मार्केट, देखो फिर से वही बात आ गई, शॉप एंड मार्केट, मुझे एक सिचुएशन बनाकर दो ना, एक सिचुएशन बना के दो। शॉपिंग में करते हैं, एकदम करेक्ट, बट गिव मी एन एग्जांपल ना, कैसे? आई एम वेटिंग वेटिंग, कोई अनम्यूट करके स्टेटमेंट बताना चाहे तो भी बता सकता है। शैल आई स्टार्ट? मैं दूं एक एग्जांपल?
आई एग्री, जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आप सब्ट्रैक्शन का यूज करते हो, बट माई क्वेश्चन इज कैसे? मुझे एग्जाम्पल दो, एक सिचुएशन दो. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ. मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरा बर्थडे है. मैंने एक टॉफी का पैकेट लिया जिसमें 100 टॉफीज हैं. अब मेरी क्लास में 60 फ्रेंड्स हैं, मेरे 60 स्टूडेंट्स की क्लास है मेरी, मेरे 60 फ्रेंड्स हैं. तो मुझे वो 100 के पैक में से मैंने 60 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी पूरी क्लास में अपने बर्थडे वाले दिन. सो मेरे पास अब कितनी टॉफी बची पैकेट में? ये सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है. इस तरह से मुझे स्टेटमेंट चाहिए. ओके, शगुन ने लिखा है, इफ समी हैज 120 रुपीज एंड शी स्पेंट 30 रुपीज, हाउ मच डज शी हैव? ओके, करेक्ट, बिल्कुल. अगर समी के पास 120 रुपीज है, उसने 30 रुपीज कुछ भी खरीदने के लिए खर्च कर दिए, है ना, तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. सूरज के आईडी से कौन है, उन्होंने लिखा है कि अगर हम एक्स्ट्रा दे देते हैं तो बचे हुए रुपए लेने के लिए. वेरी गुड. मान लो आप जो है 50 का नोट वेजिटेबल वेंडर को देते हो, एक सब्जी वाले को आप 50 का नोट देते हो, आप 40 की सब्जी ले लेते हो, तो वहां पर आप सब्ट्रैक्शन का यूज करते हो. प्रिया, हाउ मेनी कपकेक्स, आपका फ्रेंड्स कितने कपकेक्स वो कर लेगा? अच्छा, 7. ओके, करेक्ट, बिल्कुल. आपने 9 कपकेक्स लिए और आपके फ्रेंड ने जो है 7 कपकेक्स उसमें से खा ही लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? वेरी गुड. ये सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है. और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर आओ. सोचो सोचो सिचुएशन, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन सोचो, कहाँ पे और यूज करो. 3-4 बच्चों ने एग्जाम्पल दिए. आई वॉन्ट एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीवन. आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर यूज कर रहे हो मैथ्स. कोई आपसे पूछे कि मैथ्स का यूज कहाँ है डेली लाइफ में, आप एकदम से एक स्टेटमेंट बताओ, ठीक है. आप इनफाइनाइट नंबर्स टाइम, दिन में आप लगभग 1000 बार जो है मैथ्स का यूज करते होंगे, बट आपको पता होना चाहिए. आपको पता नहीं होता आप यूज कर रहे हो, बट आप यूज कर रहे हो. तो वो सिचुएशन मेरे सामने रखो कि आप कहाँ सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहे हो. शॉप में कर रहे हो, मुझे स्टेटमेंट चाहिए. रोहित बेटा, अक्षय के नाम से कौन है, अक्षय की आईडी से? आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद रखो. एक और एग्जांपल देती हूँ मैं. मान लो आपने 10 पेन्स का एक सेट लिया, सेट में आते हैं ना पेन. अब उसमें से मान लो 2 पेन खराब निकल गए आपके, ठीक है, आपके पास 8 पेन बचे. बेसिक बेसिक से एग्जांपल्स है, बना सकते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल सभी बच्चे बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी का ये टास्क है अभी. चलो ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, बट एक बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल, यूनिक यूनिक आप ऑब्जर्व करोगे अपनी डेली लाइफ, और फिर आप नोटिस करोगे कि आपने कहाँ यूज किया सब्ट्रैक्शन का, और वो आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे. करेंगे सब, करेंगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, 75 - 70, ठीक है. इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन पहले वाले से कितना डिफरेंट है. वेरी गुड, वेरी गुड. अभिषेक की आईडी से कौन है बेटा, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है. ये पहले वाले क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें कैरी लेना पड़ेगा हमें. यस, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे 5 इज लेस देन 7. 5 7 से छोटा है, है ना, 5 7 से छोटा है. हम 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 से एक कैरी लेना पड़ेगा. तो ये 15 बन जाएगा, एक हासिल लेना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा. तो 7 के पास 6 बचेंगे, लेकिन ये 15 हो जाएगा. तो 15 - 7 इज 8 एंड 6 - 1 इज 5. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो सभी को कैरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे से. थोड़ा लेवल बढ़ा दूं. ओके, लेट्स सी.
फाइव डिजिट वाले नंबर्स लेते हैं, अभी इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। अच्छा, अभी भी कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है ये वाला, वो मुझे बता सकता है, हम अच्छे से उसको और समझेंगे। ठीक है, कैरी वाले में किसी को हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, हम्बे एक मिनट देना, मैं दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट देना, आपको शायद मेरी स्क्रीन नजर आना बंद हो गई होगी। यस मैडम। इतने आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वापस से, मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। आप इतने इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो और चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, सभी का ठीक आंसर आ रहा है। ओके, सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया है ना? आप लोगों को भी मेरी स्क्रीन नजर आना बंद हो गई होगी, बस मुझे ना 2 मिनट का टाइम दो, मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूं अपनी। ठीक है, अच्छा किसी को ये पता है कि हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, हमने आंसर ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है? फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था जिसका आंसर 58 आया था, क्या था वो क्वेश्चन, कौन बताएगा? हाँ, 75 माइनस 17। आप कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर करेक्ट आया है? सॉल्व करके, ओके सॉल्व करके तो आपको ये पता चल जाएगा ना, बट कैसे? 75 माइनस 17 कितना आया था? 58 आया था। कैसे पता चलेगा आपको कि करेक्ट आंसर है? क्रॉस चेक करना है आपको। एक काम करके देखो, 58 में 17 जोड़ो, चेक करो 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। हम 58 में 17 को एड कर देंगे। यस। जस्ट गिव, हाँ अभी बस मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों को, सॉरी के लिए, बट बहुत अच्छी क्लास है, सभी बहुत डिसिप्लिन के साथ रहे क्लास में, थैंक यू सो मच। हाँ, पहले पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसका क्या आया था एक बार हम देख लेते हैं। तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम इसे 10 बनाएंगे और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 10 माइनस 9 विल गिव अस 1। अब 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये 3 में से 1 कैरी ले लेगा और यहाँ पर इसके पास 2 बचेगा। नाउ 11 माइनस 7 इज 4। ये किया था सबने। अब 2 में से 7 भी नहीं जा सकता, सो 12 हम इसे बना लेंगे और यहाँ पर 6 बचेगा। 12 माइनस 7 कितना हुआ? 5 हुआ। 6 माइनस 9 कितना हुआ? नहीं हो सकता, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और इसके पास 5 बचेगा। 5 माइनस 4, यस सबका यही आया था, 47,541, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब मैं वापस से इस क्वेश्चन पे आती हूँ, तो आप इस नंबर को इस नंबर के साथ एड करके देखो, आपका ये नंबर आना चाहिए, आ रहा है ना? तो आप इस तरह से अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। सो 5 डिजिट वाला ऑलमोस्ट सभी ने क्रैक कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा जीरोज वाले, ये तो मुझे लगता है काफी जल्दी कर लेंगे सब। अगर मैंने 5 डिजिट वाला करा लिया था तो 3 डिजिट वाला सभी कर लेंगे, है ना? पहले ये क्वेश्चन करो, फिर मैं इसमें थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करूंगी, बताऊंगी मैं क्या करूंगी, पहले इसको सॉल्व करो जल्दी से। लेट्स सी, सबसे पहले कौन करता है? 240 माइनस 156, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है।
सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 0, तो हमें ये कैरी लेना पड़ेगा. सो 10 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 4. हम 4 में से 5, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ 13 बनाना पड़ेगा 2 से 1 कैरी लेकर. तो 13 माइनस 5 इज 8 और 1 माइनस 1 इज 0. बिल्कुल करेक्ट जवाब. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा लेवल मैं बढ़ाती हूँ. ठीक है, 2009, ओके इतना रखते हैं. इसको सब्ट्रैक्ट करो पहले. यहां पर मैंने दो जीरो एक साथ लगा दिए, देखते इस टाइप के क्वेश्चन किसको आते हैं. 2009 माइनस 89, वेरी गुड, ये भी सबने ठीक कर दिया, शाबाश. तो 9 माइनस 9 इज 0. अब इस केस में क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं अनम्यूट करके वो बता दे, नहीं तो फिर मैं कर दूंगी. कोई कर सकता है अनम्यूट करके एक्सप्लेन? मैम दो ना जीरो को कैरी दे सकता. वेरी गुड. पहले हम जीरो से जीरो को कुछ नहीं, जीरो जीरो को कुछ नहीं दे सकता, तो हम सबसे यहाँ पे देखेंगे कि टू इस जीरो को वन दे सकता है. इसके पास वन बचेगा, अब इसके ये टेन बन गया. अब हमें पता है कि टेन जीरो को वन दे सकता है और ये वाला टेन क्या बन जाएगा, नाइन बन जाएगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो टेन माइनस एट दो, यहाँ पर नाइन बचा था और ये वन. 1920 माइनस 89, वेरी गुड, वेरी गुड. थोड़ा और ज्यादा डिजिट्स वाला दू, और डिजिट्स वाला दो, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाए इसे. ओके वेरी गुड. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है मैंने. अगर नहीं भी समझ आए ना किस तरह से करना है, तो वो भी चैट बॉक्स में लिखना, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से सॉल्व करना है. आराम से टाइम दो क्वेश्चन को करने का. यहाँ पर मैंने डबल कर दिया है जीरो को. ठीक है, देखो सब खुद से ट्राई करेंगे. मैं किसी का भी नोटबुक चेक कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कोई भी माइंड में कर लेगा, तो सभी का नोटबुक में देख सकती हूँ, इसलिए सभी खुद से सॉल्व करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. तो सभी का बिल्कुल ठीक ठीक आ रहा है, चेक कर लेते हैं. 7 माइनस 8 हम नहीं कर सकते, तो हमें जीरो से कुछ लेना पड़ेगा. जीरो कुछ नहीं दे सकता, ए जीरो भी कुछ नहीं दे सकता, तो ये 9 से 1 ले लेगा और ये खुद 10 बन जाएगा. अब ये 10 इस 0 को 1 देकर खुद 9 बन जाएगा और ये 10 इस 7 को 1 देकर 9 बन जाएगा. यहाँ पर 17, 17 माइनस 8 कितना हुआ, 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9, 8 माइनस 3 5 और यहाँ पर 0. क्या हुआ आपका, इतनी बड़ी बड़ी वाली वाली भी आपने कर ली है, वेरी गुड. ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक चीज पर आते हैं. अगर हम दो नेचुरल या दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें नेचुरल या होल नंबर ही मिले. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, किसी को पता है इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? चलो मैं बताती हूँ. तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, हमारे पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, प्लस या माइनस? माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है? आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी एक सेट है नंबर का, हर एक सेट होता है ना, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स का सेट होता है.
अभी हम यहाँ होल नंबर के सेट की बात करते हैं। तो होल नंबर में क्या क्या आ जाता है, 0, 1, 2, 3 अप टू 1। आपने इस सेट में से कोई भी दो नंबर उठा ले रहे हैं, दो नंबर उठा सकते हो, तीन नंबर उठा सकते हो, कोई भी दो नंबर पिक कर लो। ठीक है, पहले मैं एडिशन का बता देती हूँ। कोई भी दो नंबर उठाए, मान लो आपने 2 और 3 उठा लिया और उन पे एडिशन लगाया। अब मुझे बताओ क्या जब भी आप इन्हें जोड़ोगे एक आपको होल नंबर या नेचुरल नंबर मिलेगा? होल नंबर में से आप कोई भी दो नंबर उठाओगे और आपको ऐड करने पर हमेशा होल नंबर मिलेगा? हमेशा होल नंबर मिलेगा, बिल्कुल ठीक। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि एडिशन ऑफ टू नेचुरल या होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे जो एडिशन होता है, जो नेचुरल या होल नंबर होते हैं वो क्लोज अंडर एडिशन होते हैं। ठीक है, क्लोज अंडर एडिशन होते हैं। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन ही लेते हैं। तो मैं दो होल नंबर लेती हूँ, उनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आया। क्या 3 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है? उन दोनों पे ऑपरेशन लगा दिया माइनस का और मुझे जो आंसर मिला वो भी क्या मिला, एक होल नंबर मिला। ठीक है, बट क्या ऐसा हमेशा होगा? आप कोई भी दो होल नंबर उठाओगे और आपको जो आंसर मिलेगा वो होल नंबर ही मिलेगा, हमेशा होगा ऐसा? ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आता है, तो -5 होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, है ना? तो इस केस में आपने दो होल नंबर्स लिए, उन पे ऑपरेशन लगाया और आपने ऑपरेशन लगा के आंसर देखा कि होल नंबर के सेट से नहीं आ रहा है ना, होल नंबर वाली फैमिली से नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे कि जो होल नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन होते हैं, नहीं होते हैं? होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? नहीं होंगे बेटा, नहीं होंगे, क्योंकि आंसर होल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स मुझे और दो जहां पर आप देखोगे कि दो होल नंबर ले रहे हो, उनपे नेगेटिव, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपको एक होल नंबर नहीं मिल रहा है। ऐसे एग्जांपल मुझे और दो, जैसे 0 में से 5 को माइनस करके -5 आता है, -5 एक होल नंबर नहीं है। ऐसे और एग्जांपल दो। ओके, 0 -4, ठीक है, और 0-4 लिखेंगे आप, 0-6। अरे 0 वाले क्यों ले रहे हो, और भी तो एग्जांपल हो सकते हैं, 0 से थोड़ा आगे बढ़ो, -7 प्लस, बेटा -7 होल नंबर है? -7 होल नंबर है नहीं, तो ये वाला एग्जांपल नहीं चलेगा। 3-6, 8-9, ये वाले सारे एग्जांपल चलेंगे। तो इस केस में हमेशा हमारे पास होल नंबर नहीं आएगा, है ना? सो हम कहेंगे जब भी हमारे पास, देखो हम कोई भी दो नंबर लेते हैं किसी एक फैमिली में से, किसी एक फैमिली में से। अभी हमने होल नंबर वाले होल नंबर पढ़ रहे हैं, तो हम होल नंबर की फैमिली के दो मेंबर ले लेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है होल नंबर क्या होता है, होल नंबर की फैमिली में से कोई से भी दो नंबर उठाए। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाती हूँ, ये होल नंबर की आपकी फैमिली है, आप कोई भी दो नंबर इसमें से उठा लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 और 15 उठा लिए। ठीक है, आप 12 और 15 पे पहले एडिशन लगा के देख लो। आपको पता है आपके पास 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। आपने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन लगा लिया और आपने आंसर देखा कि ये भी एक होल, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, 17 भी इसी फैमिली का मेंबर है ना, यस और नो? तो जब आपके पास ऐसा होता है कि आप दो मेंबर किसी एक फैमिली से उठा रहे हो, उस पे कोई एक ऑपरेशन लगा रहे हो और जो आंसर आपको मिलता है वो भी उसी फैमिली का है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम कहते हैं क्लोज अंडर एडिशन, तब हम क्या कहेंगे, क्लोज अंडर एडिशन। अब इसी में मैं दूसरा ऑपरेशन लगा देती हूँ, ठीक है, इसी को मैं 12-15 कर देती हूँ। वैसे आप आगे पढ़ोगे कि नेगेटिव का जो ये सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, -3 आता है, ये आगे सीखेंगे। अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि 12 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर
हाँ माइनस तीन आता है, मुझे बताओ 12 तो होल नंबर फैमिली से है, 15 भी होल नंबर फैमिली से है, क्या माइनस थ्री होल नंबर फैमिली में बिलोंग करता है? क्या ये माइनस थ्री होल नंबर फैमिली का मेंबर है? नो. सो हम क्या कहेंगे, होल नंबर आर नॉट होल नंबर, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर व्हाट, सबट्रैक्शन. क्लियर? क्लियर सबको? होल नंबर और नेचुरल नंबर सबट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं होंगे. और ये कब, ये किस वजह से हो रहा है? जब हम छोटे होल नंबर में से बड़े होल नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं. हम आगे ये सबट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है, किस तरह से होती है. सबको ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड. अब कुछ एक क्वेश्चन कर ले. रेडी? वेरी गुड. ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहा. क्वेश्चन बता देती हूँ. हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9? 6 9 से कितना छोटा है? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे एक बहुत मेजर गड़बड़ करते हैं. वो मैं क्वेश्चन होने के बाद बताऊंगी क्या गड़बड़ करते हैं, बट अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. क्वेश्चन ये है कि हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9? 9 जो है वो, 6 जो है वो 9 से कितना छोटा है? क्वेश्चन ये है कि 6 9 से कितना छोटा है? -3. अनम्यूट करके आंसर नहीं बताना है. मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो. ठीक है, 30 seconds का टाइम और मिल रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए. क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे सबका आंसर चाहिए. कम ऑन, जिन्होंने आंसर कर लिया एक बार हैंड रेज करके बताओ. वेरी गुड, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन बच्चों ने आंसर कर दिए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट मीन्स वो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं क्लास में. शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, अभी तक आई हैव रिसीव्ड 14 स्टूडेंट्स के आंसर. ओके, अभी हम 10 सेकेंड और स्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं. क्लास के 5 सेकेंड्स में काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी और उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा. सो कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएगा. ओके, सो 5, 4, 3, 2 and 1. अच्छा, अब आप सब रिजल्ट देख सकते हो जाके और मुझे बताओ, कोई बच्चा कुछ भी कहना चाहता है रिजल्ट को देख के? एक बार रिजल्ट देख के आओ सब बच्चे. पोल सेक्शन में जाओगे आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों ने कौन सा आंसर किया. मैं ऐसे बता देती हूँ, 3 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, 12 बच्चों ने ऑप्शन सी किया है. और मैं चैट बॉक्स अब खोल देती हूँ, किसी को कुछ भी लिखना है इस रिजल्ट से रिलेटेड वो लिख सकता है. 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ मैं. ओके, अच्छा एक बार सब बच्चे अपना अपना हैंड डाउन कर लो. सब बच्चे हैंड डाउन कर लो, और सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको लगता है ऑप्शन ए करेक्ट है, जिनको अभी भी लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है. नाम लिखो अपना चैट बॉक्स में, या फिर अनम्यूट करके बता दो ऐसा क्यों लगता है. 2 बच्चों ने अभी भी हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करके बता दो ऐसा क्यों लगता है. हाँ सूरज बताओ, सभी बच्चे तो सी बोल रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट है? अच्छा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9? 6 छोटा है या 9 छोटा है? 6 छोटा है या 9 छोटा है? Which number is smaller?
ओके, तो आपसे यही तो पूछा गया था कि 9 6 से कितना छोटा है, कितना छोटा है? बेटा -3 कैसे आएगा? आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से उसे माइनस कर दे रहे हो, जबकि क्वेश्चन ये था कि 9 जो है, जो 6 है, जो 6 है, जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है? ठीक है, जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है, कितने कितने वो नंबर छोटा है? 9 और 6 में कितना गैप है? 3 का गैप है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि सब बच्चे गलती इसलिए करते हैं, वो ये सीक्वेंस देखते हैं कि 6 पहले लिखा है फिर 9 लिखा गया है, तो उसे -3 कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि 6 9 से कितना स्मॉलर है, कितना स्मॉलर है? ना समझ में आया आप कहाँ गड़बड़ हुई है सबकी? अच्छा, जिन बच्चों ने 3 किया था उन्होंने सोच समझ के किया था, ये ऐसे ही तुक्का मार दिया था आपने, हिट एंड ट्रायल से ऐसे ही कर दिया था? सूरज आता था, समझ में आया था क्वेश्चन, इसीलिए मैं यस बार बार मैम, हिंदी में भी बोल रही थी, इसलिए बार बार हिंदी में भी बोल रही थी कि 6 9 से कितना छोटा है, बट सभी एक ही ट्रैक पे सोच रहे थे कि हमें 6 -9 करना है। तो समझ में आया? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे उनमें आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। 6 9 से कितना छोटा है, सिंपल सा क्वेश्चन, 3 छोटा है, माइनस करना था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इजी सा क्वेश्चन है, बट वही चीज कि आप गड़बड़ कर देते हो सॉल्व करने में। एक मिनट देना, अभी आपको पोल में आंसर नजर आ रहा होगा, चैट को तो मैंने बंद कर दिया है। सभी आंसर करेंगे? ओके, हेमराज ने कर दिया है। अच्छा, मुझे लगता है हाँ अभी आया पोल में आंसर शायद। हाँ, 42 -27 करना है आपको। ओके, 11 स्टूडेंट्स का 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट एक बच्चे का भी, एक दो बच्चों का आंसर गलत हो गया ये, तो इसलिए आपको आपको लगता है, हमेशा हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और उसी में गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्स में भी ये करते हैं ना, ये तो बहुत आसान टॉपिक ही कर देंगे, और फिर हम उसी चीज में फंस जाते हैं जिसको हम सोचते हैं ना कि बहुत आसान है, उसी में हम फंस जाते हैं अगर हम उस चीज को ध्यान से नहीं करते हैं। ओके, सो अभी तक 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, अराउंड 20 स्टूडेंट्स क्लास में है, सो आई वांट के सभी आंसर करें, क्योंकि आप सबने बोला है सबके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो जो आंसर नहीं कर रहे हैं दैट मीन वो एक्टिव नहीं है क्लास में। लास्ट के 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ओके, काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, देख सकते हो आप इसमें भी दो बच्चों ने, 3 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है। तो बेटा हमेशा पोल में बहुत ध्यान से आंसर करना है आपको, 42 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो ये 12 हो जाएगा। कैसे? जब इसने एक 4 से कैरी लिया, 4 से कैरी लेने पर 12 हो गया, और 4 के पास 3 बचा, 12 में से 7 गए कितना बचा, 5, 3 में से 2 गया 1 बच गया, है कि नहीं? हाँ, तो अगली बार से बेटा मुस्कान के नाम से कौन है, सी कैसे हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई जिसका गलत हुआ था, आप जल्दी से बताएंगे वो बच्चे की गड़बड़ कहाँ पे हुई है।
कौन बताएगा कि गलती कैसे हुई है? डिजिट्स क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा? अच्छा, गलती से टच हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे पूरी क्लास का, मुझे 100% करेक्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है? मुझे 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए क्लास में। तो 942 में से आपने 635 को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन का आंसर। मैम जी हो गया। हाँ, जिन बच्चों का हो गया मुझे पता है, वेरी गुड। अब तक 100% रिजल्ट मेंटेन करके चल रहे हैं सब, सबका अब तक बिल्कुल करेक्ट है। मैम मेरा भी हो गया। हाँ, 9 स्टूडेंट्स का आंसर मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन को देखो, एक चीज सभी को पता होगी, अगर आपको मान लो कुछ फोन में कभी कभी ऐसा होता है, आपकी स्क्रीन में आपको नंबर छोटे छोटे नजर आते हैं, आप उस पर जैसे आप फोटो जूम करते हैं, आप अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं डबल टैप करके, है ना? तो अगर किसी बच्चे को डिजिट्स छोटे नजर आ रहे हैं तो उस पर डबल टैप करेगा, जूम हो जाएगी स्क्रीन आपकी, तो आप क्लियर देख पाओ तो कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप क्वेश्चन करेक्ट करो। ओके, तो 15 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया। काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। ओके, लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, एंड 1। चलो वैसे तो सभी ने आंसर किया है, बस एक बच्चे का गलत हुआ है। 942 में से आपने 635 को माइनस करना था, तो 4 में से 2 में से 5 नहीं जा सकते, ये 4 से कैरी ले लेगा और ये खुद 12 बना लेगा खुद को, और यहाँ पर 4 के पास 3 बचेंगे। 12 में से 5 गए, 7 बचे, 3 में से 3 गए, 0 बचे, 9 में से 6 गए, 3 बचा। बेटा माइनस 307 किसने किया था? माइनस में तो आएगा नहीं आंसर। वेरी, बाकी सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था, शाबाश। यस, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चों ने टाइम से क्लास में आना, ठीक है? अब क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सम। पहला सम क्या है आपके पास? 145 प्लस 185, और दूसरा सम आपके पास है 234 प्लस 232। तो आपको ये जो दोनों सम आएंगे, पहले आपने दोनों सम निकालने हैं अलग अलग करके। 145 प्लस 185 देखना है कितना होता है, 234 प्लस 232 देखना है कितना होता है, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कितना होता है। तो डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, क्योंकि अभी हम नेचुरल और होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये डाउट भी आ सकता है कि जो नंबर पहले, जिसका पहले सम कैलकुलेट किया, उसी में से दूसरे को माइनस करेंगे। नहीं, आपने जो भी बड़ा एडिशन आएगा, जो बड़ा सम आएगा, उसमें से कम वाले सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? आराम से टाइम लेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए। 1 मिनट का पूरा टाइम दे रही हूं मैं, बट मुझे सबके आंसर चाहिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। 90% 95% रिजल्ट नहीं, 100% रिजल्ट चाहिए। वेरी नाइस। क्वेश्चन में ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसलिए मैं पूरे 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको पहले ऐड करना है, दूसरी चीज ऐड करनी है। क्वेश्चन में फिर से बोल रही हूँ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सम, डिफरेंस निकालना है। मैम जी कर दिया। हाँ बेटा, मैंने देख लिया है। सभी के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, 8 बच्चों के आंसर आ गए। हाँ, क्वेश्चन को करने में टाइम लग सकता है।
ओके नाइस नाइस, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है करने में वो बताओ, वो अनम्यूट करके भी बता सकता है। अभी ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली पूछती हूँ, आप अनम्यूट करके बताना आपने किया कि नहीं किया। ठीक है, अमृता, रोहित, सूरज, मुस्कान, शगुन, अभिषेक, परी, खुशी, हेमराज, काजल, सूरज, मानसी, सूरज तिवारी, कर दिया बेटा आप सबने? जिन जिन के नाम मुझे पता था सबने कर दिया है। काउंट स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1, वेरी गुड। चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे बताओ ना, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो आप लोग ही बताओगे। सबसे पहले हम 145 और 185 को ऐड कर लेते हैं। कितना आया इनको जोड़ के, इनको ऐड करके कितना आया? ओके, सो 5 + 5 = 10, 8 + 4 = 12, 12 + 1 = 13, एंड 1 कैरी, 1 + 1 + ओके। सो एक बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर 330 आ गया तो ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अभी आपको दूसरा एडिशन भी निकालना है। नाउ लेट्स फाइंड दिस एडिशन। तो 234 प्लस 232, व्हाट विल वी गेट? इट इज 6, ओके, सो वी हैव 466। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सम, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। सो व्हाट विल वी डू, हम 466 में से 330 को सबट्रैक्ट करेंगे। ये सबट्रैक्शन तो बहुत ही इजी है, 6 - 0 = 6, 6 - 3 = 3, 4 - 3 = 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा आज, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर, है ना? और मुझे बताओ एक और चीज हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट चीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल या फिर नेचुरल नंबर इज Not closed under subtraction. ये important चीज पढ़ी है हमने, ठीक है? ये चीजें काम आएंगी आके, हम एक example भी दे सकते हैं। For example, 4 - 5 = -1. -5 - 1 is not an not a whole number. It is an integer. Yes. ठीक है, बस क्लास आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक मिनट, मुझे एक मिनट का टाइम दो।